आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों पर कई सवाल इंद्रेश जी से हमारे हैं। इंद्रेश जी हमारे साथ बने हुए। इंद्रेश जी, हम चर्चा कर रहे थे असम की हिंसा पे और असम में जो घुसपैठिए की समस्या है उस पर। आज वहाँ पर जो स्थानीय मूल निवासी हैं वो प्रवासी की तरह रह रहे हैं। 27 जिलों में से 11 जिले ऐसे हैं जहाँ पर वो अल्पसंख्यक हो गए हैं। 1836 ईस्वी में जब असम का एग्रेशन, असम के ऊपर जब अंग्रेजों ने शासन अपना स्थापित किया था, उस समय 99% वहाँ पे हिंदुओं की संख्या थी और आज धीरे धीरे उनकी संख्या लगभग 64% के करीब रह गई है 2011 की जनसंख्या के अनुसार। आखिर इस पूरे बदलाव को आप किस खतरे के रूप में देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा की अगर बात की जाए तो? मैं इस खतरे के रूप में देखता हूँ कि विदेशी कलामदीन और सलामदीन को बसा लेना और भारतीय मोहम्मदीन और मोहनलाल को उजाड़ देना, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर धीरे धीरे करके एक नए विभाजन के रूप में हो जाएगा। 47 फिर से दोहराया जाए ये किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और इसलिए बांग्लादेश के अंदर या फिर पाकिस्तान में कुछ ऐसे नेताओं का जो एक ख्वाब था कि हमने हंस कर लिया पाकिस्तान, उस समय बांग्लादेश भी पाकिस्तान कहलाता था, और लड़ कर लेंगे हिंदुस्तान, बाद में बांग्लादेश के अंदर कुछ अलगाववादी नेताओं का ये नारा बना कि यह जो घुसपैठ है यह एक किस्म से बांग्लादेश के इस्लामिक और स्टेटशिप का स्टेटस का और उसका विस्तार है। तो मुझे ये लगता है कि जो अलगाववादी ताकतों के यह संकेत हैं इनको भारत ने ठीक से समझना चाहिए। और वैसे तो अगर देखा जाए तो कभी बांग्लादेश पाकिस्तान भारत का था, परंतु आज वो बन गए। इसका अर्थ ये नहीं है कि अब उनकी घुसपैठ के माध्यम से और एक बहुत बड़ा भारत का भूभाग फिर से विदेश बन जाए, पराया हो जाए और भारत से कट जाए। इसलिए यह घुसपैठ एक नए भारत विभाजन की भूमिका को स्थापित करती है। इसको सावधानीपूर्वक और चुनौती मानकर डील करना चाहिए किसी भी कीमत पर, और भारत का एक इंच घटने और कटने नहीं देंगे, यह संकल्प आवश्यक है। इसलिए ये घुसपैठ भारत के नए विभाजन की नींव डाल रहा है। तो ये तो बहुत खतरनाक बात है। अगर नए विभाजन की नींव है तो नए विभाजन की अगर ये नींव है तो सरकार और सामाजिक स्तर पे इस पर काम होना चाहिए। सरकारी स्तर पे जो हमारी नीतियाँ अब तक बनी हैं, जो 1985 में ट्रीटी हुई थी, उस पर हमें अमल करना चाहिए। या आपको क्या लगता है सबसे ठोस कदम इस पर क्या होगा जिस पर तत्काल ऐसा तत्काल इसके दो कदम पूरे उठाने चाहिए। जो हमने कानून बनाए हैं उनको नीचे तक लागू करना, वोट बैंक के नज़रिए से विदेशी को नहीं देखना और तुरंत चिन्हित करना, मतदाता सूची से निकालना और फिर डिपोर्ट करने की प्रक्रिया लेनी चाहिए। बांग्लादेश में वो डिपोर्ट हो, अगर बांग्लादेश को ये लगता है कि उसके पास सरप्लस जनसंख्या ऑलरेडी है तो ये विश्व भर के अंदर और बांट दिए जाएं, परंतु उनको भारत में रहने का अधिकार नहीं देना चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। इसी के साथ साथ मुझे एक दूसरी बात और भी कहनी है। जहाँ पूर्व में ये खतरा दिखता है वहाँ और नॉर्थ ईस्ट में जो खतरा दिखता है, तो नॉर्थ वेस्ट में भी, कश्मीर की तरफ भी दिखता है। अभी वार्ताकारों की रिपोर्ट ने लगभग कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है इस ओर कदम बढ़ाए जी। पड़गांवकर और जो पड़गांवकर कमेटी की रिपोर्ट है जिसकी निष्ठा ही विदेशी के साथ है, तो उसमें क्या होगा। और इसलिए वार्ताकारों की रिपोर्ट आना और उधर तुरंत 14-15 अगस्त को मक्का में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ की मीटिंग होना और उसमें कुछ देशों ने दबाव बनाकर और इस प्रस्ताव को लाना कि कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, तो मुझे लगता है कि यह एक और भारत सरकार का आज केंद्रीय नेतृत्व कहीं विदेशी शक्तियों के चंगुल में तो नहीं फंस गया है। उधर इस्लामिक कंट्रीज़ का ये रेजोल्यूशन लाना, इधर वार्ताकारों का रिपोर्ट लगभग ये आना कि कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करना, तो इस देश ने इसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर आज तक हजारों लाखों बलिदान दिए हैं, तो वह कश्मीर का विभाजन नहीं बल्कि
सच तो ये है कि प्रस्ताव पारित करते हुए संसद में जम्मू कश्मीर के मुस्लिम सांसदों ने भी इस बात का संकल्प लिया है बार बार कि जो पाकिस्तान के और चीन के अवैध कब्जे में जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, सियाचिन कश्मीर इत्यादि, बल्कि उसको मुक्त करवाएंगे। तो मुझे लगता है कि संसद की गरिमा और लोकतंत्र की गरिमा और सेकुलरिज्म की गरिमा तो इस बात में है कि संसद कम से कम अपने द्वारा किया गए संकल्प को तो ध्यान में रखे और पूरा करे। वो दुनिया को इतनी चीज़ें याद करवाती है, पर वो जो उसका संकल्प है उसको लगता है कि शायद जनता का काम हो गया, अब संसद को अपना संकल्प याद करवाए कि साहब आप संसद में बैठे हैं तो जो आपका संकल्प है उसको पूरा करिए। और जिसके लिए 100% सांसद एक मत थे, जिसमें कोई विवाद नहीं था, इसलिए मुझे लगता है कि इसको ज़रूरी है। और इसी प्रकार से कैलाश मानसरोवर चीन के कब्जे में, अब चीन धमकी दे और देश के प्रधानमंत्री तवांग नहीं जाएं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चीन धमकी दे और हमारा डेलीगेशन वहाँ नहीं जाए तो कोई, हम चीन से कमज़ोर नहीं, चीन कितना भी ताकतवर होगा परंतु हम चीन से कम ताकतवर नहीं है। इसलिए इस देश ने, चाहे पाकिस्तान हो चाहे और चीन हो, उनसे वार्ता एक पार्टी के रूप में और राजनीति के रूप में नहीं करनी है। कहते हैं कि घर में राजनीति करिए पर विश्व के अन्य देशों के साथ आप कूटनीति में 105 बनकर व्यवहार करिए। देश का दुर्भाग्य है, देश की सत्ता विदेशियों को डील करते हुए भी और देश के अंदर की राजनीति का उपयोग करती है, और जबकि उसको चाहिए कि जब वो बाहर की ताकतों को डील करेगी तो वह राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में रुक करे, ना कि किसी एक दल के प्रतिनिधि रूप में। विदेश नीति की आपने बड़ी अच्छी चर्चा की। देश की आज़ादी के बाद ऐसा लगता है कि विदेश नीति के मामले में या जो विदेशी हमारे रिश्ते रहे हैं विशेषकर चीन जैसे दुर्धर्ष पड़ोसी के साथ, इसमें कुछ मजबूती आनी चाहिए थे, या आपको लगता है कि कूटनीतिक रूप से हम विफल रहे हैं क्योंकि उन तमाम मुद्दों पे हम खुल के बातचीत नहीं कर सकते, दृढ़ता से पेश नहीं आते। हमारे यहाँ के जो राजनयिकों का दल वहाँ जाता है तो ऐसे जो अधिकारी जो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं उनके वीज़ा चीन कैंसिल कर देता है, फिर भी अपने हम दौरों को आगे बढ़ाते हैं। आखिर आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत आज एक महाशक्ति बनने की दिशा में अग्रसर है, आर्थिक महाशक्ति इस देश में है और भारत के बिना पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की आप कल्पना नहीं कर सकते, विशेषकर चीन हमारे ऊपर एक तरह से डिपेंडेंट है, तो ऐसी स्थिति में भारत को मजबूती से चीन के साथ अपने मुद्दों को उठाना चाहिए। क्या कूटनीतिक विफलता इसे मानते हैं? चीन से, पाकिस्तान से और विश्व पटल पर भारत की कूटनीतिक सफलता अभी जैसी शक्तिशाली के रूप में उभरनी चाहिए वो नहीं उभरी है, और हमने जो एकजुट होकर अपनी कूटनीति करनी चाहिए थी, हमने बहुत स्पष्ट चीन को ये कहना चाहिए था कि 54 के अंदर हमने तिब्बत आपका हिस्सा मानकर जो और आपके साथ समझौता किया वह अब हम दोहराएंगे, तिब्बत वाज नेवर ए पार्ट एंड पार्शल ऑफ चाइना। आखिरकार एक 60 साल आप नीति को लेकर चले, उसके दुष्परिणाम आज सामने हैं तो उसको रिव्यू क्यों नहीं करना चाहिए? और जबकि सत्य ये है कि तिब्बत का कोई भी, चीन का कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जो ये बताए कि कभी तिब्बत उसका हिस्सा था। बिल्कुल, मैं एक बड़ा साधारण प्रश्न खड़ा करता हूँ, जब कोई भारत की बात करता है तो नागालैंड या गुजरात को अलग से नहीं बोलता, बिल्कुल वो भारत में आते हैं, परंतु जब चीन बोला जाता है तो उसमें तिब्बत आज भी विश्व का कोई देश नहीं मानता है, तिब्बत अलग से ही बोला जाता है। अन्यथा अगर तिब्बत चीन का हिस्सा होता तो फिर तिब्बत को अलग देश की संज्ञा और तिब्बत का अलग नाम नहीं होता। भारत के इतने बड़े प्रांत हैं और भूगोल है, उनका कोई अलग नाम नहीं। चीन के इतने सिक्यांग होगा और होगा जो आज़ादी भी मांग रहे होंगे, उनका कोई नाम की चर्चा नहीं आती है। तो इसलिए हमने एक राजनीतिक गलती की थी, उसको सुधारना चाहिए, और उसी के साथ साथ हमें चीन को बहुत स्पष्ट बताना चाहिए कि हिमालय में तुम्हारा दखल स्वीकार नहीं है, तिब्बत एक स्वतंत्र देश था, है, हमने 60 वर्ष जो गलत नीति ली अब उसको पुनः विजुलाइज करने का अवसर आ गया। अगर हम करेंगे
तो मुझे लगता है कि चीन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, बल्कि हम मजबूत भी होंगे, सुरक्षित भी होंगे, और जो हमने एक पाप और अपराध किया था मानवता और सेकुलरिज्म पर, तिब्बत को और निर्दोष तिब्बत को उसने, जब हम कहते हैं तिब्बत अलग देश था, तो हम कौन थे तिब्बत को चीन का हिस्सा मानना, यह तो हमने और एक किस्म से मॉरली इमोरल वर्क किया। किसी दूसरे को किसी का हिस्सा बताना, ये तो भारत का अधिकार ही नहीं था। बिल्कुल, अगर भारत को अपना कर्तव्य करना है तो जो उसने उस समय गलती की, आज उसको सुधारने की आवश्यकता, और जिस दिन सुधारेंगे उस दिन ये स्पष्ट हो जाएगा। इसी तरह से हमें पाकिस्तान को भी बताना चाहिए कि बहुत स्पष्ट है, और कश्मीर में अलगाववादी ताकतों को भी बताना चाहिए कि आप भारत में हैं। इसलिए मुझे वहाँ के और जीएम राजपुरी जो फर्स्ट स्पीकर थे जम्मू कश्मीर की असेंबली के, उनका एक वाक्य बहुत हुआ था, उन्हें कहा कि जो जो कश्मीर घाटी में हिंदुस्तान को पसंद नहीं करते, ऐसे 20 50 100 परिवारों के सामने आप 10 10 ट्रक खड़ा करिए, 100 कर्मचारी खड़ा करिए, उनका सब सामान उनमें रखिए, और उनको 10 लाख का चेक और हार डालकर कहिए आपको अगर हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं, हिंदुस्तान में आप रहना नहीं चाहते, हिंदुस्तानी से आपको लगाव नहीं है, तो आप जहाँ चाहे जा सकते हैं, हम एक साल की व्यवस्था भी आपको करके भेज रहे हैं, उनको बॉर्डर पर खड़ा कर दीजिए, उन्हें का बंदूक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस समस्या का समाधान मिल जाएगा। इसलिए कूटनीतिक रूप में देश की सत्ता और नेताओं को जितना सशक्त होकर उभरना चाहिए, जिस दिन वो उभरेंगे तो मुझे लगता है कि एक सुरक्षित भारत और इन समस्याओं का समाधान मिलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। इंद्रेश जी से हम चर्चा कर रहे थे और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर तमाम सवाल उनसे पूछे गए, ऐसे कई और सवाल हैं, लेकिन समय हमें इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है कि इंद्रेश जी से हम सवालों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। हमें यहीं पर अब इस कार्यक्रम को विराम देना पड़ेगा, लेकिन इस आशा के साथ कि इंद्रेश जी से फिर हम मुलाकात करेंगे, खास मुलाकात, और जो बचे हुए सवाल हैं आगे फिर से आपसे हम करेंगे। जी, केवल आपके माध्यम से आज के समय का लाभ उठाते हुए एक निवेदन पूरे देश की जनता को करना चाहता हूँ। 13 दिसंबर जब संसद पर 10 वर्ष पूर्व हमला हुआ था, 16 दिसंबर जब बांग्लादेश की उत्पत्ति हुई और पाकिस्तान टूटा था, तो उस एक सप्ताह के अंदर पूरा देश राष्ट्र रक्षा संकल्प सप्ताह के रूप में मनाए कि देश की सीमा अब घटने और कटने नहीं देंगे, एक भी जन भारतीय निहत्था निर्दोष मरने नहीं देंगे, और देश की सत्ता नेता और नीतियां ऐसी होंगी कि वह विदेशी पाकिस्तानी और आतंकियों को पालेंगे नहीं, ऐसा एक व्यापक जन जागरण जाति दल पंथ से ऊपर और भाषा से ऊपर उठकर संपूर्ण देश और 10 दिसंबर से 16 दिसंबर तक राष्ट्र रक्षा संकल्प सप्ताह के रूप में मनाए, ऐसा आप सुदर्शन चैनल के माध्यम से मैं देश के और जन जन को यह निवेदन करता हूं। और मुझे विश्वास है कि 2012 जब पाकिस्तान के 65 साल हो जाएंगे प्रथम आक्रमण के, चीन के आक्रमण के 50 साल और संसद के आक्रमण पर 10 साल, तो एक कमज़ोर भारत नहीं बल्कि एक मजबूत भारत दुनिया को देखने को मिलेगा और भारत को भी यह एहसास होगा। धन्यवाद इंद्रेश जी। हम भी अपने दर्शकों से ये अपील करेंगे कि 10 दिसंबर से 16 दिसंबर की जो अवधि है उसे राष्ट्र रक्षा सप्ताह के रूप में मनाएं और देश की सीमा एक इंच भी कम नहीं होने देंगे और विदेशियों की जो टेढ़ी नज़र है उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे इस संकल्प के साथ। इस कार्यक्रम से अब विदा लेते हैं। बालाजी मिश्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़।